हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरगढ़ शिक्षा अभियान। तो आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है आपके सामने, जिसमें इनवर्स एक सिंबल यूज हो रहा है, साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो यानी कि इस टाइप में जो भी क्वेश्चन आए उसमें आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। जहां भी इस टाइप के इनवर्स यूज होते हैं तो आप समझ लीजिए इस इनवर्स को तुम्हें आपको हटाना है। ठीक है, कैसे हटाएंगे? साइन इनवर्स ऑफ हम क्या करेंगे कि ये इनवर्स हट जाए। ऑब्वियस है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा करेंगे तो थीटा आ जाएगा, इनवर्स सिंबल हट जाएगा। तो हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, दैट इज थीटा, है ना। ऑल्सो x टेंड्स टू जीरो मतलब साइन ऑफ थीटा टेंड्स टू साइन जीरो। सॉरी वन मिनट, x टेंड्स टू जीरो, x क्या क्या है, साइन थीटा, यानी साइन थीटा टेंड्स टू जीरो। ठीक है, यानी कि थीटा ऑल्सो टेंड्स टू जीरो, क्योंकि साइन जीरो ही जीरो होता है ना। तो यानी कि अगर साइन थीटा जीरो के आसपास है तो थीटा भी जीरो के आसपास ही। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे इसको, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर क्या रहेगा, रूट अंडर हमने एक्स क्या रखा है, साइन थीटा। तो यहाँ ले लेंगे वन प्लस साइन थीटा, यहाँ ले लेंगे माइनस वन माइनस साइन थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हो गया थीटा, तो यहाँ थीटा लिख लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ हमारा रूट अंडर है, हमें रूट अंडर भी थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, इसको हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, अगर हम साइन थीटा को साइन ऑफ ब्रैकेट में थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू लिख दें, है ना, तो साइन ए कॉस बी के फॉर्म में आ जाएगा। हमें पता है साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, यहाँ जो हमने x टेंड्स टू जीरो लिखा है यहाँ हम थीटा टेंड्स टू जीरो लिखेंगे, है ना। थीटा मैंने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया थीटा टेंड्स टू जीरो कैसे होगा। ठीक है, तो दिस विल बी थीटा टेंड्स टू जीरो, लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू जीरो। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे थीटा यूज कर रहे हो तो यहाँ पे थीटा ही यूज करना है लिमिट के नीचे। ठीक है, अगर x है तो यहाँ पे लिमिट में भी x रहेगा, तो हमारा थीटा टेंड्स टू जीरो है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर। ठीक है, यहाँ पे हमने साइन थीटा बाई टू के फॉर्म में ले लिया, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां हम वन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, मैं तो अपने स्टाइल में लिख रहा हूं, साइन को मैं एस लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू ऐसे लिख सकते हैं, है ना, प्लस ये हमने वन को लिखा है। और यहां क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा बाई टू एंड कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, और इसी तरह से हम इसको भी डाल सकते हैं, माइनस रूट अंडर, यहाँ क्या हो गया आपका, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, यहाँ आप क्या लिख सकते हो, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू तो है ही, ये वाला तो चलो है ही, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, एक मिनट यहाँ पे स्पेस कम है, मैं थोड़ा सा नीचे जाके लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखते हैं माइनस रूट अंडर। ठीक है, तो जैसे वन है इसको तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, है ना। अब यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ हम लिखेंगे माइनस, क्योंकि माइनस है बाहर, तो माइनस टू साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, अब आप इसको क्या लिखो, और डिवाइडेड बाई फोर टू द पावर थीटा तो है ही, है ना, ये पूरा ब्रैकेट में कर देते हैं, इज इक्वल टू लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू जीरो। अब ऊपर रूट अंडर जो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, और अंडर रूट क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू। अब मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, स्पेस हो गया इसे पूरा ही लिखता हूँ, है ना, यहाँ हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू, है ना। कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना। माइनस, अब यहां क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू, है ना, इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस टू ए बी, है ना, इसी फॉर्म में आएगा, डिवाइडेड बाई, अब क्या हो गया, इसके नीचे थीटा तो था ही, नाउ हमारा कॉस ये और ये माइनस खत्म हो जाएगा और टू साइन थीटा बाई टू आ गया, है ना, इज इक्वल टू लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू जीरो टू साइन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई, अब थीटा बाई टू के फॉर्म में होना चाहिए नीचे भी, तो हम थीटा बाई टू इंटू टू कर देंगे, अब ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, अब थीटा अगर टेंड्स टू जीरो है
तो थीटा बाय टू टेंड्स टू बी जीरो ही होगा, बस हमारा नीचे आ गया आंसर इज इक्वल टू वन, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए चाहे कोई भी इनवर्स हो, तो आपको एक्स की जगह पहले रिप्लेस करना है किसी ऐसे से जिससे इनवर्स सिंबल हट जाए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसमें बहुत ज्यादा कुछ बड़ा चीज है नहीं, मगर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं, अगर आपको कोई नहीं समझ में आता तो कॉमेंट करो। बाकी मेरा वेबसाइट है, ऐप है जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हो, मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दो, अगर आपने रजिस्टर किया है तो अपनी डिटेल्स देके मैं यहाँ से अप्रूव कर दूंगा। आपको डेली एक से एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चलो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, टेक केयर, बाय बाय।